हेलो दोस्तों, मैं आपका पोषी भैया। सभी दोस्तों को जय श्री राम। जैसा कि जो हमारी एक्सरसाइज 7.2 चल रही है, उसमें क्वेश्चन 28 कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, और 29 क्वेश्चन में है इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स। देखिए बेटा, कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब देखिए, वो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब इसमें हमें ये देखना है, एक वेरिएबल ये है, इसमें से कौन सा वेरिएबल कौन से का डिफरेंशियल है। देखिए, कॉट एक्स का ये नहीं हो सकता, लेकिन लॉग साइन एक्स का हो जाएगा 1/sin x, साइन एक्स का फिर करेंगे डिफरेंशियल तो कॉस एक्स हो जाएगा, और कॉस में डिसाइन क्या हो जाएगा, कॉट एक्स। तो इसलिए हम इसको टी मान लेंगे, तो टी बराबर लॉग साइन एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू, तो लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1/sin x। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल दोबारा होगा, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बेटा, कॉस एक्स। इसलिए हम कह सकते हैं ये cos x, cot x, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बेटा cot x, और डी टी cot x आ जाएगा इसके नीचे, और dx आ जाएगा उधर। भाई cot x यहाँ आ जाएगा, dx उधर चला जाएगा, तो dx की जो वैल्यू निकल के आई dt अपॉन cot x। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या था, cot x इंटू बेटा जो log sin x है उसको मान लिया हमने t, क्या मान लिया है t, इंटू जो dx था वो था, उसकी जगह लिख देंगे हम dt अपॉन cot x। ये cot x से cot x कट जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा dt। अब t का समाधान, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2+c। अब बेटा 1/2 ये t स्क्वायर, और t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, log sin x इसका स्क्वायर प्लस। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, मतलब इसको टी मान लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। अभी देखिए, इसमें टी मान लेंगे 1+cos x को, किसको, 1+cos x को, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0, और cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस के sin x। cos x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है माइनस के sin x। यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स चला जाएगा इधर, और माइनस sin x आ जाएगा इसके डी टी के नीचे, तो डी टी अपॉन माइनस के साइन एक्स इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, डी एक्स। देखिए बेटा, अब साइन एक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साइन एक्स और 1/cos x क्या मान लिया बेटा, टी। अब ये डी एक्स था ना, जब डी एक्स की जगह क्या लिख देंगे, डी टी अपॉन माइनस के साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, ये जो माइनस है ना ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस 1/t और डी टी बेटा माइनस, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, लॉग टी प्लस सी, तो माइनस लॉग, और टी का मान क्या होता है बेटा, टी की जो वैल्यू मानी थी वो मानी थी हमने 1+cos x, तो लॉग 1+cos x प्लस, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 था। बस कुछ नहीं था, टी बराबर 1+cos x था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। जो क्वेश्चन 31 है वो क्या है, देखिए अब आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं एक्सरसाइज 7.2 से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। देखिए 31, देखिए 1+cos x बिल्कुल जैसे ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वही है, टी बराबर बस 1+cos x मान लेना, तो डी टी अपॉन डी एक्स 1 का हो जाएगा 0, प्लस cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, तो डी टी अपॉन माइनस के sin x, और डी एक्स चला जाएगा उधर। अब बेटा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो sin x और जो 1+cos x है ना, 1+cos x, अब ये 1+cos x क्या माना है, टी, क्या माना है टी, तो इसको रख देंगे टी, लेकिन इस पर स्क्वायर लगा था तो बेटा स्क्वायर लगा दिया। अब डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू क्या बेटा, डी टी अपॉन माइनस के साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, ये माइनस है ना ये तो बाहर आ जाएगा, माइनस के बाहर आ गया, तो ये बचा 1/t² dt बेटा माइनस, ये 1/t² ना इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या क्या हो जाएगा, माइनस के 2 dt। अब देखिए माइनस, ये टी की पावर माइनस टू है ना, तो इसको हम एक्स की पावर एन से खोल देंगे, और एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। देखिए, तो टी की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस के टू प्लस वन प्लस सी माइनस टी, टी की वैल्यू क्या बेटा हमारी, 1+cos x
की पावर क्या होगा हमारा, माइनस के टू प्लस वन, ये हो गया माइनस वन अपॉन माइनस वन, क्योंकि माइनस टू प्लस वन माइनस वन होगा प्लस से, इस माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अब वन प्लस कॉस एक्स की पावर माइनस वन है ना, वो ऊपर है, जब इसे हम नीचे लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की, प्लस सी। और पावर किसी का वन लगाए लगाए, अदरवाइज न लगाए, डजंट मैटर। ये वन है ना, इसको हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया, तो वन को तो हम ऊपर लेंगे, वन प्लस कॉस एक्स की पावर जो माइनस वन था उसको हम नीचे ले, तो प्लस का वन हो जाएगा, लेकिन प्लस का वन लगाए लगाए, अदरवाइज न लगाए, ठीक है। ये हमारा गया 31 क्वेश्चन। अब आते हैं 32 की तरफ, 32 की तरफ, 32 बेटा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस कोट एक्स डी एक्स। देखो बेटा 1 प्लस ये कोट एक्स है ना, इसको हम कॉस एक्स बटे साइन एक्स कर सकते हैं ना, डी एक्स। अब 1 अपॉन ये हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसके नीचे ये वाली साइन एक्स आ जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब ये जो नीचे साइन एक्स है ना, ये चला जाएगा ऊपर, कहाँ चला जाएगा बेटा, ऊपर साइन एक्स। अब ये रह गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। अब देखिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही मैंने भाग लगा दिया, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही भाग लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखिए अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई आप कहोगे आप कि 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 से ही डिवाइड क्यों किया, अभी रुक जाइए अभी बताते हैं, ठीक है। देखिए 1 अपॉन 2, अब ये 2 साइन एक्स है, इसे हम साइन एक्स प्लस साइन एक्स कर सकते हैं ना बेटा। देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सिमिलरली लिख देंगे 1 अपॉन 2, अब ये साइन एक्स कॉस एक्स जोड़ दिया और कॉस एक्स ये हमने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन 2 कॉस एक्स जोड़ दिया, कॉस एक्स ये घटा दिया, अब साइन एक्स साइन साइन 2x, रुक जाइए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लो तो ये साइन एक्स माइनस का हो जाएगा और कॉस एक्स हो जाएगा प्लस का। देखिए बेटा ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, ये सिमिलरली, ठीक है, बस इसमें से इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन एक्स प्लस का था, तो बेटा देखो जो माइनस का हो गया, माइनस के कॉस एक्स था ये प्लस का हो गया, ठीक है, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सिमिलर, ठीक है। देखिए बेटा 1 अपॉन 2, अब इसका अलग 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 डिवाइड कर दो, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का अलग डिवाइड कर दिया माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इससे भी डिवाइड कर दिया और इससे से भी डिवाइड कर दिया, और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इससे ये कट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस, ये बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटे साइन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इसके लिए, किसके लिए, इसके लिए इसका 1 का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसके लिए हम टी इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मान लेंगे, टी इक्वल टू क्या मानेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स, लेकिन डी एक्स का मान निकालेंगे ना, तो डी टी ये आ जाएगा इसके नीचे कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स, तो बेटा डी एक्स का मान निकाल लिया ना, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिया, ठीक है।
अब देखिए मैं इधर से साफ कर देता हूँ, अभी आपने उतार तो लिया होगा, ठीक है। अब देखिए वन अपॉन टू वन डी एक्स, वन डी एक्स ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये मान लिया टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बेटा, जो ये वाला था ये टी मान लिया, और यहां डी एक्स था तो डी एक्स की जगह क्या मानेंगे, डी टी अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इससे ये कट जाएगा। ये हो गया वन अपॉन टी डी टी, देखिए वन अपॉन टी ये वन है और डी एक्स एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन टू, ये टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है तो वन अपॉन टू वन अपॉन टी हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, वन अपॉन टू एक्स माइनस लॉग टी की वैल्यू रख देंगे, टी की वैल्यू क्या थी बेटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी, तो टू से डिवाइड कर दो, एक्स अपॉन टू मतलब टू का मल्टीप्लाई वन अपॉन टू का, एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, ये हमारा बेटा आंसर आ गया है। सिंपल था, कुछ नहीं करते जाना है, बस टू का डिवाइड करना था, टू का मल्टीप्लाई करना था, टू का मल्टीप्लाई करने के बाद टू साइन एक्स होता है, टू साइन एक्स का साइन एक्स प्लस साइन एक्स होता है, तो एक कॉस एक्स जोड़ देते हैं और एक कॉस एक्स घटा देते हैं, एक कॉस एक्स ये जोड़ दिया, एक कॉस एक्स घटा दिया था, बस उसमें से सीधा माइनस कॉमन ले लिया था पीछे से फिर से, और फिर इसको सेपरेटली डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद इसको टी मान लिया, टी मानने के बाद ये कट जाता है बेटा, नॉर्मल हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स डी एक्स, वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स डी एक्स, देखिए जो लास्ट क्वेश्चन कराया था 31 उसी की तरह से ही है बेटा ये, तो वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स बेटा, ठीक है। अब देखिए वन अपॉन कॉस एक्स कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है ये कॉस एक्स ये आ जाएगा डी एक्स, ठीक है बेटा। अब ये कॉस एक्स है ना, कॉस एक्स चला जाएगा ऊपर, तो कॉस एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है यहां तक कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, टू का मल्टीप्लाई किया था, टू से ही डिवाइड किया था, इसमें भी कर देंगे, तो टू से डिवाइड कर दिया, टू से ही मल्टीप्लाई कर दिया, या नेक्स्ट लाइन में कर दें, यहां तक आ गया होगा कॉस एक्स ऊपर चला गया, तो वन अपॉन टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कुछ नहीं कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये रहा, बस टू से डिवाइड कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे बेटा, वन अपॉन टू ये टू कॉस एक्स है ना, तो इसको कर लेंगे कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, और डी एक्स वन अपॉन टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स था ना, तो इसमें एक साइन एक्स जोड़ दिया और एक साइन एक्स घटा दिया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स सिमिलरली लिख दिया। अब बेटा देखिए वन अपॉन टू देखिए कॉस एक्स नहीं रुक जाइए, इस वाली लाइन को भी दोबारा करो,
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और डी एक्स वन अपॉन टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अलग अलग डिवाइड कर दें, देखिए डी एक्स वन अपॉन टू, इससे ये कट जाएगा वन माइनस वन प्लस, ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। अब देखिए कुछ नहीं हो, उसी की तरह सही है, वन अपॉन टू, यह इसके लिए अभी रुक जाइए, इसको t मान लेते हैं, नीचे वाले को क्या मान लेते हैं t, इधर देखिए t मान लेते हैं, तो t बराबर cos x माइनस के sin x, तो dt अपॉन dx cos x का क्या हो जाएगा माइनस के sin x माइनस sin का क्या हो जाएगा cos x। बेटा देखिए dt अपॉन dx माइनस कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। अब यहां से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, तो डी टी और ये आ जाएगा इसके नीचे माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, कुछ नहीं था इसके लिए हमने टी इसको माना था, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये मान लिया टी, ये क्या मान लिया बेटा टी। अब ये डी एक्स है ना, डी एक्स की जगह क्या रख देंगे dt अपॉन dt अपॉन, यहां प्लस ही तो था, वन dx प्लस cos x प्लस sin x, और इसकी जगह मान लिया हमने t, और dx की जगह रख देंगे dt अपॉन माइनस sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x, ये cos x प्लस sin x कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो वन अपॉन टू वन dx प्लस, अब ये इससे ये कट गया तो बचेगा क्या वन अपॉन टी डी टी। देखिए वन अपॉन टू, अब इंटीग्रेशन को खोलते हैं, इंटीग्रेशन को खोलते हैं, तो ये वन का जो इंटीग्रेशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन, ये माइनस है ना माइनस, ये वाली जो माइनस है ये यहाँ जाएगी माइनस माइनस, और ये वन अपॉन टी इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा लॉग टी, लॉग टी। अब देखिए प्लस सी, अब इसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, वन अपॉन टू एक्स माइनस लॉग, और जो टी की वैल्यू क्या थी बेटा, टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। अब वन अपॉन टू का भीतर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स अपॉन टू माइनस वन अपॉन टू लॉग कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। ठीक है बेटा, ये आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 33। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, लेकिन इसमें फोकस आप ज्यादा से ज्यादा करना, ठीक है। थर्टी फोर क्या बेटा, अंडर रूट टेन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखिए
इसमें मैं cos x का मल्टीप्लाई कर दूं और cos x से ही डिवाइड कर दूं, भाई इससे ये कट जाएगा, सही है ना। देखिए नेक्स्ट लाइन में करूंगा इसका, अंडर टेन एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, इसमें कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कॉस एक्स से ही डिवाइड कर दिया। अब देखना अंडर रूट टेन एक्स ये बेटा साइन बटे कॉस, भाई साइन अपॉन कॉस ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू साइन अपॉन कॉस क्या हो गया टेन एक्स, और कॉस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा ये रूट टेन एक्स बटे टेन एक्स, अब ये इसके साथ वन का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर एक्स, और ये रूट टेन एक्स से ये कट जाएगा तो रूट टेन एक्स बार कटेगा, कितने बार कटेगा बेटा रूट टेन एक्स। देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स बटे रूट टेन एक्स और डी एक्स, अब टी इक्वल टू मानो टेन एक्स को, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू ये रहेगा सेक स्क्वायर एक्स। अब यहां से डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बटे रूट, अब टेन एक्स है इसको मान लिया टी और डी एक्स की जगह डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर एक्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा कट जाएगा, बचेगा क्या वन अपॉन रूट टी और डी टी, और रूट टी है ना तो टी की पावर एक बटे दो, इसको ऊपर लेके जाएंगे बेटा तो टी की पावर माइनस के वन अपॉन टू हो जाएगा, और डी टी इसको ओपन करेंगे फॉर्मूला को तो टी की पावर माइनस के वन अपॉन टू प्लस वन बटे माइनस के वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी, ये हो जाएगा टी की पावर एक बटे दो बटे एक बटे दो प्लस सी, और जो वन अपॉन टू को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा टू टी की पावर एक बटे दो प्लस सी, अब टू एक बटे दो तो इसे हम रूट टी कह सकते हैं प्लस सी टू, और रूट में जो टी क्या माना था बेटा हमने, और टी माना था हमने टेन एक्स, क्या माना था टेन एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था बेटा, कुछ नहीं बस कॉस एक्स का मल्टीप्लाई किया था, कॉस एक्स से ही हमने इसमें डिवाइड किया था। अब ये आए हमें 34 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब आते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है बेटा, देखिए आप इन्हें नोट जरूर करते जाना। अब आते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। 35 क्वेश्चन क्या है, 35 क्वेश्चन क्या है देखिए, थर्टी फाइव क्वेश्चन है आपका, ठीक है 36 क्वेश्चन, एक्स प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। देखिए बेटा इसमें क्या है, सीधा सीधा टी इक्वल टू वन प्लस लॉग एक्स मान लेना, टी इक्वल टू वन प्लस लॉग एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू वन का हो जाएगा जीरो, लॉग एक्स का हो जाएगा वन अपॉन एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे हम एक्स इक्वल टू डी एक्स एक्स डी टी। देखिए बेटा वन प्लस लॉग एक्स इसको मान लेंगे टी, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, अब ये एक्स इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब आते हैं dx की तरफ, dx है हमारा x dt, dx से x कट जाएगा t स्क्वायर dt, जब ओपन करेंगे x की पावर n से तो ये हो जाएगा t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, तो 1 अपॉन 3, और t का मान क्या है बेटा 1 प्लस log x की पावर 3 प्लस c, ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, इसमें t इक्वल टू इसको मान लेना, t इक्वल टू x प्लस log x,
तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स का वन और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स। तो डी टी सीधी सी बात है, एक्स का वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अगर यहां से डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी एक्स का मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन से होगा, एक्स प्लस वन से हो गया इक्वल टू एक्स का हो जाएगा डी टी से, एक्स का किससे हो जाएगा डी टी से। अब डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स प्लस वन चले जाएगा इसके नीचे, तो एक्स बटे एक्स प्लस वन और डी टी। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो एक्स प्लस वन और ये क्या माना था बेटा टी मान लिया था, एक्स प्लस लॉग एक्स क्या माना था टी, टी और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये डी एक्स ये क्या होता है डी एक्स, डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या माना एक्स एक्स प्लस वन और डी टी, तो बेटा ये एक्स से एक्स कट जाएगा, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कट जाएगा, बचेगा क्या टी स्क्वायर डी टी। देखिए टी स्क्वायर डी टी है ना, टी स्क्वायर जब इसको इंटीग्रेशन को फोड़ेंगे एक्स की पावर एन से, तो ये हो जाएगा टी की पावर थ्री अपॉन थ्री प्लस सी, तो वन अपॉन थ्री और टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स प्लस लॉग एक्स की पावर थ्री प्लस सी। ठीक है, कुछ नहीं यहां से बस डी टी अपॉन डी एक्स करके वन प्लस वन अपॉन एक्स, यहां से हमने डी एक्स की वैल्यू निकाली है, किसकी वैल्यू निकाली बेटा डी एक्स की। अब यह है 35, 36, अब आते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 है आपका इंटीग्रेशन एस क्यूब साइन टेन इनवर्स एक्स ईआर पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स ईआर 8 एक्स ई पावर 8 और डी एक्स। ठीक है, ये है क्वेश्चन, एक्स क्यू इंटू साइन टेन इनवर्स एक्स पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स ई पावर 8, तो टी इक्वल टू इसको मान लेंगे टी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स की पावर 4, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू देखिए टेन इनवर्स एक्स की पावर 4, टेन इनवर्स एक्स पावर, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशियल क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें पावर कितनी है 4, सॉरी x की पावर 4 एक्स स्क्वायर, ये x, x क्या है x की पावर 4। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, x की पावर 4 का, x की पावर 4 का डिफरेंशियल आ जाएगा आपका 4x क्यूब, भाई जिसको हम मानते हैं x मानते हैं हम उसका डिफरेंशियल करते हैं ना, तो डिफरेंस करेंगे x की पावर 4 का, x की पावर 4 का डिफरेंशियल आएगा 4x की पावर 3, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 की पावर 2 है, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 8 मल्टीप्लाई 4x क्यूब, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8, इसका इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो डी एक्स मल्टीप्लाई 4x क्यूब इक्वल टू 1 प्लस एक्स पावर 8 डी टी। बेटा जब dx की वैल्यू निकालेंगे तो 1 प्लस x की पावर 8 और ये 4x क्यूब आ जाएगा इसके नीचे dt। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, क्वेश्चन क्या था हमारा x क्यूब इंटू साइन और ये माना था बेटा हमने t, क्या माना था t अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 और dx, dx की जगह क्या लिखते हैं हम 1 प्लस x की पावर 8 और ये 4x cube dt। बेटा 1 प्लस x की पावर 8 से 1 प्लस x की पावर 8 कट जाएगा, x cube से x cube कट जाएगा, तो 4 है ना ये इसके नीचे आ जाएगा sin t dt, 1 upon 4 sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा माइनस के cos t प्लस c, तो ये माइनस है ना इसको हमने बाहर लिख दिया माइनस 1 upon 4 cos और t की जगह क्या रख cos t की जगह t हमने क्या माना था tan inverse x की पावर 4 प्लस c, कुछ नहीं ये थोड़ा सा मानने में जो माना था उसका डिफरेंशियल थोड़ा सा बड़ा हो गया था, लेकिन क्योंकि ये दो बार करना पड़ा था, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है सीधे सीधे करते जाइए। ये आया हमारा क्वेश्चन नंबर 37, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ, ये 38 है tan x की पावर 9 प्लस
टेन पावर एक्स लॉग ई टेन अपॉन एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स। अब ये है 39 वाला का जो क्वेश्चन है वो है बेटा आपका 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए इसमें बेटा इसको टी इसको मान लेना, टी इसको मानेंगे तो टी इक्वल टू एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स, तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर टेन है ये हो जाएगा टेन एक्स की पावर नाइन, क्योंकि इसका डिफरेंस है एक्स की पावर एन से करेंगे तो एन एक्स इक्वल टू एन माइनस वन, ये है टेन की पावर एक्स तो इसका हो जाएगा टेन की पावर एक्स इंटू लॉग ई टेन। ठीक है बेटा, जब डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो डी टी के नीचे ये आ जाएगा पूरा डी टी अपॉन टेन एक्स की पावर नाइन प्लस टेन की पावर एक्स इंटू लॉग ई टेन इक्वल टू डी एक्स। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ बेटा, देखिए टेन एक्स की पावर नाइन प्लस टेन की पावर एक्स लॉग ई टेन अपॉन बेटा ये मान लिया था टी, क्या माना था टी, अब डी एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी टी अपॉन टेन एक्स की पावर नाइन प्लस टेन की पावर एक्स लॉग ई टेन, इससे ये कट जाएगा बचेगा क्या वन अपॉन टी डी टी। देखिए इधर देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना बेटा, वन अपॉन टी का क्या होता है लॉग टी प्लस सी, अब भाई वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग टी प्लस सी, लॉग और टी क्या माना था हमने ये एक्स की पावर टेन प्लस टेन की पावर एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं ये टी माना था इसका हमने डिफरेंशिएट कर दिया। इसमें दो फॉर्मूले यूज हुए, एक तो एक्स की पावर एन का और ये एक ए की पावर एक्स का, दोनों का हमने डिफरेंशिएट किया उसको डी एक्स की वैल्यू निकाली, डी एक्स की वैल्यू निकाली इससे कट जाएगा वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, 39 जो वन है ना वन को हम क्या कह सकते हैं बेटा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कुछ नहीं किया जो वन था वन की जगह हमने क्या कर दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अब इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर कट जाएगा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा बेटा, वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, वन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा बेटा सेक स्क्वायर डी एक्स प्लस वन अपॉन साइन क्या हो जाएगा बेटा कोसेक स्क्वायर डी एक्स, अब बेटा वन और सेक स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा कॉट एक्स प्लस सी प्लस सी। बेटा आज एक्सरसाइज 7.2 फिनिश होती है, इसमें 39 क्वेश्चन थे, मैंने 39 क्वेश्चन वन बाई वन आपको कराए हैं, आप बस नोट सभी क्वेश्चन को करना उसके बाद प्रैक्टिस अवश्य करना, ठीक है, और ज़्यादा प्रैक्टिस तो मैं ये कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा करना, करने की सॉल्व करने की बाय हैंड बाय रिटेन जरूर करना, ठीक है, जब तक आप रिटेन क्वेश्चन नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, ठीक है, और अपना प्यार बनाए रखें, आज के लिए इतना ही, लाइक कमेंट, आज थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से जो कहते हैं ना बड़े बड़े क्वेश्चन थे इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगा, लेकिन मैंने उनको सॉल्व जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश की, क्योंकि उसके चक्कर में मैंने लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना भूल गया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि लाइक कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करना, अपना प्यार बनाए रखना, आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।